हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, आई हो बच्चे होंगे। तो गाइस, कल रात हमारे शहर में एक बहुत ही बड़ा यूएफओ उतरा था, और न्यूज़ पर तो ये भी बता रहे हैं भाई कि उसमें कुछ एलियंस भी थे, बट फिलहाल वो मिसिंग है। पता नहीं हमारे शहर में कहीं घूम गए, फिर तो बाद में पता चलेगा। गाइस, मैं आपको वो यूएफओ दिखाऊंगा, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम भाई रिसर्च कर रही है, देख रहे हैं क्या चीज़ है, कहाँ से आई है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो कोशिश करना गाइस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने आ रही है आपको आज इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, उस पर डेली गेम प्लेज वीडियो आती रहती है GT5 की, बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को अभी देखने में। तो जल्दी से यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, यूएफओ को देखने से पहले अभी मुझे लेस्टर के पास जाना है भाई, क्योंकि लेस्टर भाई के साथ एक कांड हो गया बहुत बढ़िया वाला। मतलब कि उसको कुछ चाइनीज गैंग ने भाई धमकी दी है कि हमको बैंक रोबरी करवा, नहीं तो हम तेरे को ठोक देंगे। तो गाइस, अभी लेस्टर ने मुझे बुलाया है उसकी हेल्प करने के लिए। उसने कहा कि भाई वो चाइनीज गैंग वालों को मैंने रोबरी करवा रहा हूं मैं, और तुम आओ आके उनको सबको ठोक दो मौके पे, समझ रहे हो। तो भाई उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है, ब्लैकमेल कर रहे हैं लेस्टर को। तो जाके अभी लेस्टर की हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे भाई यूएफओ को देखने के लिए। ठीक है, फटाफट पहुंचता हूँ गाइस मैं। लो भाई, ये पहुंच गए हम अपने चाचा जी के पास। लेस्टर की कार देखो, बुलेट प्रूफ कार लेकर के घूमता है। इसको डर रहता है कहीं इसका दूसरा पैर भी ना तोड़ दे कोई, बेचारा चलने से मुश्किल हो जाएगी फिर तो। एक तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, अगर दूसरा भी टूट जाए तो भाई पता नहीं क्या होगा हमारे प्यारे लेस्टर का। और चाचा कैसे खड़े हुए हो? अरे रे रे यार, बेचारा बड़े परेशान है, चलो इससे थोड़ी सी बातें बातें कर ले। लोंडो को देखो, अपाची RTR यूज कर रहे हैं बैंक रोबरी में, बहुत बढ़िया, सही है भाई। इतनी सारी अपाची कहाँ से लाए वैसे? तो भाई अभी मुझे पोजीशन में आ जाता हूँ ताकि मुझे ठोकना पड़े उन लौंडों को। ओके, स्नाइपिंग करते हैं अभी हम। कहाँ है हमारे प्यारे रोबर्स? आ जा भाई, आ जा बैंक से बाहर आ जा। कहाँ जा रहा है? अबे कहाँ जा रहा है, मर गया क्या? ओके गाइस, एक कदम, आ जा जल्दी जल्दी बाहर आ जा। आ जा भाई, कहाँ पर? ये ले भाई। ओके, दो खत्म, एक आधा बंदा और आ रहा है अभी। आ रहा है, आ जा आ जा आ जा आ जा। ओ गाइस, पुलिस भी आ चुकी है यार। ये पुलिस को कौन बताता है? अरे पहले मर्डर तो हो जाने देते यार, सबसे पहले ही आ गए। आ जा जल्दी। ओहो, ये ले बेटे। ओ बैग गिरा, जल्दी जल्दी कैश 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 ले लेते भाई, जा करके नीचे। ओके, अरे यार ये पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आ गए यार, इन्होंने परेशान करके रख दिया। जल्दी जल्दी कैश उठा ले, कैश उठा ले, कैश उठा ले। ओके, कैश हमने ले लिया गाइस, अभी निकलते हैं फटाफट से। अभी हमें जाना है, पुलिस को गोली दे करके आना है। ठीक है, फटाफट पहुंचता हूँ मैं अपनी जगह पर। तो भाई ये पुलिस जा चुकी है, बट अभी हमें चाइनीज गैंग के भाई घर पे जाना है, उनको ठोक करके आना है, पूरी गैंग को खत्म करना है हमें। क्योंकि वहाँ पे तो बैंक में तो दो तीन बंदे आए थे रोबरी करने के लिए, बट वहाँ पे पूरी पूरी गैंग है जो प्लानिंग बना के बैठी हुई है कब पैसे आने वाले उनके पास। तो जा करके उनका ठंडा कर देते हैं, क्योंकि भाई अगर वो जिंदा रहेंगे तो आगे भी लेस्टर को प्रॉब्लम होती रहेगी। तो इसलिए सारे के सारे बंदों को अभी मार देते हैं फटाफट, ताकि हमारा प्यारा लेस्टर फ्री हो जाए। तो पहुँचता हूँ भाई मैं, एक मिनट पहुँच जाऊँगा बस। लो भाई, हम घर पर आ गए हैं चाइनीज लोंडो के। आ जा बेटे, बहुत सारे लोंडे खड़े करके रखे हैं, तो सारे लोंडो को मारना है, इनके लीडर को भी मारना है। चलो फटाफट से गन निकालूंगा, शॉर्ट गन। अरे ओ मेरे भाई, अबे देखते ही, अबे शर्म तो कर लेता, अंदर तो आने लेते, तो चाय पानी तो पूछ लेता, मतलब ऐसे काम करता है मेहमानों के साथ। भाई 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 भाई, ना ले, तू भी ले, नाच नाच, आ जा तू भी आ जा यहां को, आ जा। ये रहा है बेटे, खत्म। ओके गाइस, कुछ बंदे अभी भी है पीछे की तरफ है शायद से। अब यार बंदों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, परेशान कर रहे हैं। मिनी गन लेकर के आया मुझे मारने के लिए, तो मैं भी मिनी गन से ही मारूंगा। ओके गाइस, बंदा मर गया, इनका बॉस था शायद जिसको मैंने अभी मारा है। अबे देखो तो सही, मिनी गन लेकर आया मुझे मारने के लिए, हद हो गई हद। ओ भागो भाई, नाउ लूज द कॉप्स अगेन। निकलो, सबको कौन मारेगा? बॉस मर गया, बात खत्म है, बॉस खत्म, पैसा आ जाए। जल्दी निकलो, इनकी कार लेकर के निकलते फटाफट से यहाँ से, और हमारा प्यार लेस्टर फिर हो जाएगा। अरे यार लोग दे, जल्दी जल्दी, बंदे आ रहे हैं बहुत सारे, जल्दी सारे बंदों को मारने का कोई फायदा नहीं बनता। अरे निकल ले, मरवाएगा क्या? ओह पुलिस भी आ गई भाई, पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस वालों को कुछ काम नहीं है, निकलो बे। गाइस पुलिस जा चुकी है, अभी मुझे भाई लेस्टर की फैक्ट्री में जाना है और वहाँ से माल उठाना है। लेस्टर हमको खुश हो गए, कुछ पैसा देना चाहता है, हमने उसकी जान बचाई है, तो लोंडा कुछ पैसे देगा हमें, कोई बात नहीं ले लेते हैं भाई फ्री के। भाई पैसा कभी मना नहीं करना चाहिए, आते हुए पैसे को ठुकराना चाहिए, दे दो भाई दे दो, ले लो। लो भाई ये पहुँच गए हम अपनी प्यारी लेस्टर की फैक्ट्री में। लोंडा पता नहीं बनाता क्या है फैक्ट्री में, समझ नहीं आता। जहाँ कपड़ों की फैक्ट्री लगा डाल के रखे, क्यों कितना चालू है ये, किसको शक ना हो, बोलेगा मैं तो दर्जी हूँ, अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके भैया लेस्टर, तेरा काम कर दिया, कितने पैसे देगा? 1.2 मिलियन है ना भाई। भाई भाई लेस्टर ने मजे उठा दिए। तो गाइज अब भी फटाफट से, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट पहुंचता हूँ यूएफओ के पास। ओके गाइज, मैं जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पर उस यूएफओ पे भाई रिसर्च चल रही है। लेस्टर ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दी है कि मिलिट्री बेस के भाई बेसमेंट में उस पर रिसर्च चल रही है। तो मैं अभी भाई आपको बताया
आ ही नहीं सकता था बिना पुलिस के कपड़े पहन के मिलिट्री बेस में, नहीं तो घुसते इतनी गोली मारते मुझे गिननी मुश्किल हो जाती। तो मैं भी पुलिस वाले कपड़े पहन के आयो आराम से, और यहाँ पे आराम से घूमेंगे फ्री में, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो आपको पता है इम्पॉसिबल था बिना पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के यहाँ पे आना, नहीं आ सकते थे हम। तो चलो भाई अब नीचे चल के देखते हैं क्या क्या हल्ला मचा के रखा है लोंडो ने। हम भी देखा भाई कैसी UFO क्या वगैरह वगैरह। ओके गाइस हम बेसमेंट में आ चुके हैं। ओ भाई साहब बड़े तगड़े सिक्योरिटी बना के रखे हैं, ये क्या पहना के रखा है इनको भाई, हमला होने वाला है अभी भाई। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा के रखे हैं इन्होंने तो। और मतलब देखो बेसमेंट कितना तगड़ा है भाई, किसी ने बॉम्ब वॉम्ब भी फोड़ दिया तब भी मुझे लगता है कुछ असर नहीं होने वाला इनके यहाँ पे। भाई कितने सारे गेट बना के रखे हैं। चलो 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 यहाँ पे भी और ज़्यादा सिक्योरिटी भैया, और भी ज़्यादा सिक्योरिटी। ये खुला गेट, अच्छा पहले इस तरफ चलते हैं गाइस, पहले इस तरफ चलते हैं। चलो चलो चलो। तो भाई यहाँ पे क्या रखा है रे इन्होंने, ओ भाई कितनी सारी मिसाइल। ओबे भाई इतनी सारी मिसाइल क्या करोगे रे, बहुत बढ़िया भाई, कमाल कमाल कमाल। सामने वाले रूम में देखते हैं, ओपे भाई बंदे सिस्टम पे बैठा के रखे हैं बहुत ज्यादा। मुझे लगता है वो ये भाई अपना सर्वर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना इनको, अगर किसी ने इनको हैक कर लिया तो भाई बहुत जरूरी है भाई ये वाला काम करना, इसलिए बंदे परमानेंट बैठा के रखे हुए हैं कंप्यूटर पे। ओके आगे बढ़ते हैं। वैसे यार इतना सोचा नहीं था मैंने, इतना हाई सिक्योरिटी वाला काम कर रखा होगा इन्होंने यहाँ पे। ये खुलता आएगा नहीं, ये नहीं खुलता, बहुत बड़ा है यार बेसमेंट। मैंने सोचा था छोटा मोटा बना के रखा होगा, इन्होंने तो बहुत तगड़ा बना के रखा हुआ है। ओके यहाँ पे भी कुछ बंदे हैं, और यहाँ पे फिर से सिस्टम पे बंदे बैठा के रखे हुए हैं। ये चाचा क्या देख रहे हैं सामने की तरफ, टूट 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 टूट। ओ भाई भाई अभी मेरे को अंधेरे में दिखाई नहीं दिया ठीक से। गाइस UFO देखो 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 देखो, देखो, देखो। नीचे जाके देखना पड़ेगा वहां पे जाने का क्या रास्ता है, वहां पे बंदे हैं इसका मतलब जाने का रास्ता है, वहां पे ढूंढना पड़ेगा। देखो दोस्तों ये UFO, ओ भाई एक नंबर एक नंबर। यहाँ से ना मुझे लगता है इसे नोटिस कर रहे हैं हरकतें, कि कुछ हो तो नहीं रहा फिलहाल, अभी देख रहे होंगे भाई रीडिंग सीडिंग आ रही होगी कुछ, तो वहाँ पे जाकर ही देखते हैं हम तो जल्दी फटाफट। चलो 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 वहाँ पे जाने का रास्ता तो जरूर होगा कुछ ना कुछ, खुलता है का। ओके गाइज ये खुलता है, ओ हाँ ये खुल गया, अब सामने ही है, सामने ही है UFO, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी कुछ बंदे बैठा के रखे हैं, ये भी रीडिंग चेक कर रहे होंगे भाई इसकी नीचे जाने का रास्ता। ये रही सीढ़ी, आराम से उतर के जाता हूँ। अरे गिर मत, अरे ऐसे ही गिर गया, मरवाएगे यार आज ये। अबे कैसी सीढ़ी लगा के रखी तुमने, बंदा फिसल गया हमारा। चलो भाई तो जा करके देखते हैं अभी हमारा प्यारा UFO भाई काफी बड़ा है। वैसे सही कहा था नहीं उस वालों ने, इसमें भाई एलियन बहुत सारे हो सकते थे, अभी वो हमारे शहर के बीच में घूम गए, अब पता नहीं कहाँ पे घूम रहे हो। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, पकड़े जाएंगे। आजकल भाई कोई नहीं बचता, ढूंढ ही लेंगे उनको जल्दी से जल्दी, हमारी गवर्नमेंट ढूंढ लेगी। ओ भाई ये क्या है रे बीच में यार, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मैं अभी टॉर्च निकाल के चेक करता हूँ। ये भाई ये क्या है, कुछ एलियन बाइक सी लग रही है गाइस मुझे, बड़ी खतरनाक लग रही है यार। पीछे से देखो, आगे से देखो भाई, साइड से देखो, मतलब इसके टायर वायर भी नहीं है, हवा में उड़ रही है ना शायद से। ओ भाई भाई क्या चीज़ है ये, इसको चला करके देखूँ, एलियन बाइक लग रही है। ओ बैठ गया भाई, ओ भाई स्टार्ट भी हो गई, अरे वाह भाई वाह, टायर नहीं है हवा में उड़ रही है, चलती भी है। अरे भाई मेरे पीछे ना पड़ जाए मिलिट्री वाले, कहेंगे भाई कौन घुस गया ये सामान छेड़छाड़ कर रहा है। भाइयों मैं इसको लिफ्ट से बाहर लेकर के आ चुका हूँ, बट एक गड़बड़ हो गई, अब मिलिट्री वाले मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने नोट कर लिया कहीं नकली पुलिस वाला है, पता नहीं क्या छेड़छाड़ कर रहा था, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। अभी फटाफट से निकलता हूँ, एक नंबर चीज मिल गई, और एक नंबर, सोचा नहीं था यहाँ पे आके ऐसी चीज मिल जाएगी, मजा आ गया। एलियन बाइक मिली है हमें, ओ भाई उड़ती है क्या, हाँ उड़ रही थी ना वो, उड़ती भी है रे भाई 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 भाई, गिरी 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 गिरी, ओह पूरी स्पीड होनी चाहिए उड़ने के लिए, स्पीड बनाता हूँ पीछे जाकर, आराम से पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं उसके बाद इसको उड़ाएंगे। कितनी बढ़िया लग रही है भाई, गाइस एक नंबर है, देखो तो सही। ओ भाई 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 देखो 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 देखो, ऐसे लग रहा है कोई हॉलीवुड की मूवी की बाइक उड़ती हुई जा रही हो, एक नंबर लग रही है एक नंबर। अभी ये पुलिस वालों को मैं गोली देता हूँ, हेलीकॉप्टर मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार, बट रात हो रखी है मुझे देख नहीं पाएगा, मैं जल्दी से जंगल के बीच में घुस जाता हूँ जा करके। ए भाई उड़ी 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 उड़ी, बस 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 बस, नीचे 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 नीचे, बहुत बढ़िया भाई, उड़ती है रे उड़ती है बाइक। भाई भाई पुलिस जा चुकी है, मैंने हेडलाइट वेडलाइट सब कुछ बंद कर दी ताकि मुझे अंधेरे में देख ना पाए। तो गाइस अभी थोड़ी देर में सुबह होने ही वाली है, फिर मैं उसको सुबह लेके निकलूंगा यहाँ से, आपको दिन में दिखाऊंगा बाइक दिन में कैसे दिखेगी, क्योंकि अभी तो अंधेरा होकर रखा है, इतना साफ कुछ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो वेट करते हैं सुबह होने का फटाफट से। ओके भाई तो धूप निकल चुकी है, अब देखो यार यार एक मैं फर्स्ट पर्सन में दिखाता हूँ क्या बाइक है, क्या बाइक है, ओहो एक नंबर है रे
क्या तुक्का लगा, एलियन की बाइक मिली है हमें, बहुत मजेदार। अभी एलियन ना मिल जाए गड़बड़ हो जाएगी, एलियन वेलियन को बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इस बाइक को मैं निकलता हूँ और मॉडिफाई कराएंगे गाइस। मई मॉडिफाई नहीं, सॉरी, इसमें नाइट्रो लगवाएंगे, क्योंकि मॉडिफाई ये नहीं हो पाएगी, हमारे यहाँ पे इसको पार्ट तो नहीं मिल पाएंगे। बट नाइट्रो तो आपको पता है वो अलग चीज़ होती है, वो तो अलग से लग सकती है। ओके बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से उड़ गई। ये सबसे मस्त चीज़ लगी कि उड़ती है ये। भाई मैंने नाइट्रो लगवा दिया है, अब भी देखते हैं। फिलहाल इसकी नॉर्मल स्पीड 150 से ऊपर की जा रही थी, तो अभी देखते हैं कितना फर्क पड़ेगा। 300 350 जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं अभी नाइट्रो को ऑन करता हूँ। ये ले, 250 यार जानी चाहिए थी 300 से ऊपर। अभी 230 तक गई थी यार, 300 तो पकड़नी चाहिए। फिर तो हमें भाई कुछ ना कुछ कमी हो रही है हमारे कंट्रोल्स में, हमें ठीक से पता नहीं चल पा रहा है बाइक को चलाते कैसे है। ओके ओके ओके, 270 यार, 270 तक गई है। मुझे लगता है किसी एलियन को ही ढूंढना पड़ेगा, उसी से सीखनी पड़ेगी इस बाइक को चलाते कैसे है, क्योंकि भाई बहुत कम स्पीड चल रही है। मुझे यकीन नहीं है कि एलियन बाइक वो भी इतने कम स्पीड में चले ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार और ट्राई करते हैं। ओके 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 ओके, 260 270 भाई, 270 से ऊपर नहीं पकड़ रही, 270 से ऊपर नहीं पकड़ रही बिल्कुल भी। ओ भाई 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 भाई, अरे एक बटन पता चला मुझे, मैंने इसको प्रेस किया भाई, अरे उड़ने लग गई और 550 तक की स्पीड चली गई। ओ भाई भाई, कमाल हो गया कमाल हो गया कमाल हो गया। बस 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 बस, गिर मत जाना यार, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा था ना, हमें ठीक से पता नहीं चल पा रहा इसके कंट्रोल्स को, नहीं तो ये बाइक ऐसे नहीं हो सकती। एलियन बाइक के गाइस, एलियन बाइक कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा। बहुत बढ़िया कंट्रोल लगा इस बाइक का, बहुत बढ़िया कंट्रोल है, आराम से कंट्रोल हो रही है एकदम परफेक्ट। कोई भी आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो इसको, एकदम परफेक्ट चलेगी बिल्कुल भी। देखो गिरने को मतलब ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं है कि फटाक से नीचे जा रही हो, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ऊपर जाने शुरू कर देती है, मतलब कि इसका बैलेंस बन गया उड़ने वाला आराम से। चलो फिर भी हम इसको लैंड करा देते। ले भाइयों, लैंड हो गई, एक नंबर बाइक है भाई, एक नंबर। एलियनों ने मज़ा उठा दिया मेरे, तो मतलब शहर में आए मेरा फ़ायदा कर गए, किसी का फ़ायदा किया हो या ना किया हो। बाकी फ़िलहाल अभी उस UFO पे रिसर्च चल रही है भाई, बाद में देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा, एलियनों को पता चलेगा नहीं पता चलेगा, वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल आप लोग बताओ भाई, ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, एक नंबर लगी मुझे तो ज़रूर। तो गाइस यार ज़रूर कमेंट्स करके बताना आप लोगों को बाइक कैसी लगी, मुझे तो एक नंबर लगी भाई, एक नंबर सच में यार। बाकी अभी एलियन पे तो रिसर्च चल ही रही है, मतलब उनके UFO पे देखते हैं एलियन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बाद की बात है। तो गाइस बस फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस अभी तक अगर आपने मुझे सेकंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं के जाके सब्सक्राइब कर लो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि शाम को आज मैं उस पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कार को चुराने वाला हूं। एक नंबर कार है, आपको देखने बहुत मजा आएगा। तो यार जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। डिस्कॉर्ड एंड इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।